वैसे तो दुनिया में क्रूर शासकों का इतिहास बेहद लंबा है। हिटलर, बेनिटो मुसोलिनी, पॉल पॉट, इदी अमीन, मुअम्मर अल गद्दाफी, सद्दाम हुसैन समेत कई ऐसे नाम हैं जो कि दुनिया के इतिहास में काला अध्याय लिख चुके हैं। लेकिन इन सब के बीच एक नाम ऐसा भी है जो कि अपने अलग अंदाज के साथ साथ एक सनकी शासक के तौर पर भी जाना जाता है। सनक ऐसी कि आप भी सुनकर हैरान रह जाएंगे। जी हां, हम बात कर रहे हैं नॉर्थ कोरिया के शासक किम जोंग उन की। उत्तर कोरिया के वर्तमान तानाशाह किम जोंग उन अपने पिता किम जोंग इल और दादा किम जोंग संग से भी ज्यादा निर्दयी हैं। वो आतंक के जरिए पूरे देश पर शासन कर रहा है। लेकिन आपको ये भी बता दें कि किम जोंग उन हमेशा से ऐसा नहीं था। सन 2011 में गद्दी संभालने से पहले लोग उसे एक शर्मीले और नरम इंसान के रूप में जानते थे। लोगों को यकीन नहीं था कि दुनिया के इस सबसे कम उम्र के राष्ट्र प्रमुख का ये रूप उभर कर सामने आएगा। उत्तर कोरिया के इस तानाशाह ने अपने लड़कपन के दिन स्विट्जरलैंड में बिताए थे। यहीं उसने पढ़ाई भी की। यहां वो अपने प्ले स्टेशन में वीडियो गेम खेलते हुए समय बिताता था। उसकी दोस्ती अमेरिकन बास्केटबॉल खिलाड़ी डेनिस रोडमैन से थी। किम को उसी समय विस्की और सेंट लॉरेंट सिगरेट पीने की लत लगी। वो अपनी जनता को कुछ बेहतरीन पश्चिमी मूल्यों की जानकारी देना चाहता था, जिसके लिए उसने प्योंगयांग में वियतनामी स्टाइल का घुड़सवारी केंद्र खोला और एक मोर बैंड म्यूजिक बैंड की स्थापना की थी, जिसमें 5 लड़कियां थी जो मिनी स्कर्ट में नजर आती थी। वो चाहता था कि लोग उसे उसके पिता की तुलना में ज्यादा मिलनसार समझें। इसके लिए वो बच्चों के साथ नौका में फोटो खिंचवाता और सिपाहियों से हाथ मिलाता। ये तस्वीरें करीने से छापी जाती। सन 2011 में सत्ता संभालते ही किम ने सबसे पहले अपने डिप्टी रक्षा प्रमुख को मोटास से उड़ा दिया। किम जोंग ने अपने जिस सुरक्षा प्रमुख को तोप से उड़ा दिया, उस पर आरोप था कि वो एक मीटिंग में सोता हुआ पाया गया। यही नहीं, किम ने 2013 में अपनी 68 साल की बुआ किम क्योंग की जहर देकर हत्या कर दी। किम ने बुआ को इसलिए जहर दे दिया क्योंकि पिछले साल उसके पति की हत्या इसी तानाशाह ने कर दी थी और उसकी बुआ ने सार्वजनिक रूप से विरोध किया था। किम ने अपनी बुआ के पति को 120 खूंखार कुत्तों के सामने डाल दिया, जिसने उनकी बोटी बोटी अलग कर दी। इतना ही नहीं, किम ने अपनी गर्लफ्रेंड जो एक गायिका थी उसकी भी हत्या कर दी क्योंकि उस पर आरोप था कि उसका म्यूजिकल ग्रुप पोर्न फिल्म बना रहा है। किम ने उस पूरे म्यूजिकल ग्रुप को ही गोली से उड़वा दिया। किम जोंग उल बचपन से ही बेहद अय्याश किस्म का है। लड़कियों से घिरे रहना किम का शौक है। उसने महज 14 साल की उम्र में शराब सिगरेट पीना शुरू कर दिया था और जब वो 7 साल का था उसी समय से वो गाड़ी चला रहा है। नॉर्थ कोरिया का ये क्रूर शासक बेहद शकी किस्म का है। एक बार किम लगातार 40 दिनों के लिए गायब हो गया था। पूरी दुनिया में इसे लेकर कानाफूसी थी कि कहीं उत्तर कोरिया में तख्ता पलट तो नहीं हो गया। कहते हैं कि उसने सत्ता संभालने के बाद पिछले 3 साल में चुन चुन कर करीब 70 लोगों की हत्या कराई है और एक खबर तो ऐसी भी आई थी कि किम ने उन लोगों की हत्या करवा दी थी जिन्होंने उसके पिता के जनाजे को कंधा दिया था। किम ने अपने चाचा की भी हत्या करवा दी। किम जोंग ने आर्मी जनरल के दामाद की हत्या करवा दी थी जिन्हें आर्मी ऑपरेशन के प्रमुख के तौर पर नियुक्त किया गया था। वहीं 2014 में तानाशाह किम जोंग ने करीब 50 बड़े अधिकारियों को सिर्फ इसलिए गोली से उड़ा दिया कि वे अपने दुश्मन और पड़ोसी देश साउथ कोरिया का एक टीवी सीरियल देख रहे थे। इतना ही नहीं, उसने कुछ अधिकारी को इसलिए बम से उड़ा दिया था क्योंकि वो किम के पिता की मौत के बाद शराब पीकर अपना गम गलत कर रहा था। किम को खुद को शक्तिमान साबित करने का भी बेहद शौक है। एक बार खबर आई कि
किम ने महज एक ओवरकोट और चमड़े के जूते में उत्तर कोरिया की सबसे ऊंची चोट माउंट पैटू लांग गया। इसकी बाकायदा वहां की सरकारी मीडिया ने तस्वीरें भी जारी की। 32 वर्षीय किम ने कहा कि वो वहां आनंद लेने गया हुआ था और वहां पर उसे जो मानसिक ऊर्जा मिली वो परमाणु हथियार हासिल करने से भी ज्यादा थी। नॉर्थ कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन सिर्फ क्रूर नहीं बल्कि फैशन का भी शौकीन है। किम कभी अपने हेयर स्टाइल तो कभी अपनी आईब्रो को लेकर चर्चा में रहा है। किम को अपने लुक बदलने की भी सनक है, कभी वो छोटे बाल करवा लेता है तो कभी आईब्रोज। वो अपना बाल खुद बनाता है क्योंकि उसे नाई पर भरोसा नहीं है। इन सब के बीच नॉर्थ कोरिया ने एक और ऐसी हरकत की है जिससे दुनिया सन्न है। नॉर्थ कोरिया ने हाइड्रोजन बम का सफल परीक्षण कर सबको हैरान कर दिया। हाइड्रोजन बम परमाणु बम से भी कहीं ज्यादा खतरनाक होता है। उत्तर कोरिया में 6 जनवरी 2016 को राजधानी प्योंगयांग से सैकड़ों मील दूर पुंगे री न्यूक्लियर सेंटर के करीब जमीन के काफी अंदर एक जबरदस्त धमाका हुआ। धमाका इतना ताकतवर था कि पूरी धरती हिल गई। उत्तर कोरिया में 5.1 तीव्रता का भूकंप आ गया। जाहिर है यह भूकंप धमाके की देन थी, लिहाजा भूकंप के फौरन बाद ही पड़ोसी देश दक्षिण कोरिया और जापान की तरफ से यह दावा किया गया कि यह भूकंप प्राकृतिक नहीं था बल्कि यह उत्तर कोरिया के सनकी तानाशाह की सनक का नतीजा था। इल्जाम लगने के बाद उत्तर कोरिया ने दुनिया के सबसे खतरनाक हाइड्रोजन बम के परीक्षण पर मुहर लगा दी। ये बम परीक्षण उत्तर कोरिया के तानाशाह की सनक का ही नतीजा माना जा रहा है। पूरी दुनिया के देशों ने उत्तर कोरिया के इस बम परीक्षण की निंदा की है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने इसे गंभीर बताते हुए अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बताया है। चीन समेत 15 सदस्यों वाली सुरक्षा परिषद ने उत्तर कोरिया को हाइड्रोजन बम परीक्षण के बाद पैदा हुए गंभीर हालात से तुरंत निपटने की सलाह दी है। बम परीक्षण के पहले ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्यों ने चेतावनी जारी की थी कि अगर उत्तर कोरिया बम परीक्षण कर संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव का उल्लंघन करेगा तो उसके खिलाफ बड़ा कदम उठाया जाएगा। वहीं संयुक्त राष्ट्र के महासचिव बान की मून ने इसे बेहद परेशान करने वाला कदम बताया। साथ ही उन्होंने इसे क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा करार दिया। हालांकि उत्तर कोरिया ने भले ही दावा किया हो कि उसने सफलतापूर्वक हाइड्रोजन बम का परीक्षण किया है लेकिन अमेरिका ने उसके दावे को नकार दिया। अमेरिका ने संदेह जताते हुए कहा कि शुरुआती आकलन नॉर्थ कोरिया के दावों की पुष्टि नहीं करता। दरअसल खबरों की माने तो हाइड्रोजन बम का धमाका नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन को खुश करने के लिए किया गया था। न्यूक्लियर पावर यानी परमाणु ताकत से लैस नॉर्थ कोरिया के लिए यह पहला मौका है जब उसने हाइड्रोजन बम का टेस्ट करने का दावा किया है। अचानक किए गए इस टेस्ट से अमेरिका और दुनिया के तमाम मुल्कों के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र संघ भी सकते में आ गया। नॉर्थ कोरिया इससे पहले 3 बार 2006, 2009 और 2013 में न्यूक्लियर बम का परीक्षण भी कर चुका है। लेकिन इन सब के बीच दुनिया के लिए सबसे चिंता की बात यह है कि नॉर्थ कोरिया परमाणु शक्ति संपन्न देश है और वहां का शासक सनकी है। साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया का प्रतिद्वंदी देश है। आए दिन दोनों देशों के बीच तनाव की खबरें आती रहती हैं। ऐसे में सनकी किम जोंग उनकी एक हरकत पूरी दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के मैदान में खड़ा कर सकती है।